Okay, students, so now we are going to deal with the next methods of calculating the concentration of the solution. The next topics are mass by volume percentage and the strength of the solution. पिछली क्लास में हमने थ्री मैथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट वन वॉज मास बाय मास, एंड मास बाय वॉल्यूम. मास बाय मास में हमने किया क्या लिया था, मास ऑफ द सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब जो मास ऑफ द सॉल्यूट है दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट वाज द परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी जो था बेसिकली हमने उसको भी परसेंटेज लिया था. आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला क्या था, द फॉर्मूला फॉर दिस वॉज डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इन टू 100. एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, डब्ल्यू ए सॉरी इट्स वी ए, वी ए डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी इन टू 100. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द next method, that is mass by volume concentration. Mass by volume percentage, this is our third method. What does it tells? It tells the amount of solute in grams divided by in the mass of the solution in the volume of the solution. Suppose we have mass that will be WA by VA plus VB, that is the total mass of the solution. ठीक है, in other cases divided by multiplied by 100. In other cases we can also write WA by VS, that is solution. Now कोई भी concentration का method है that basically is used to concentrate the that is basically used to detect the concentration of the solution, कि कितना amount of solute है जो dissolved है in some kind of solution. So let me tell you one thing more, कि हमारी जब भी आपने देखा होगा हमारी lab के अंदर बहुत chemistry lab के अंदर बहुत सारे bottles पड़े होते हैं, that bottles may be of acids as well as the bases. उसके अंदर क्या होता है, सम बॉटल्स आर रिटन कॉन्सेंट्रेटेड, किसी बॉटल्स के ऊपर क्या लिखा होता है, डी आई एल दैट इज डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन जो बेसिकली सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या है, कम है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ को क्लियर अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वॉट इज़ इट. The definition of
डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देके बता दिया, बीकर में हम 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि पानी है, पानी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसके अकॉर्डिंग वी कैन टेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नींबू पानी पी रहे हो, नींबू पानी के अंदर एक ड्रॉप ऑफ लेमन है एंड ओनली हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट है, तो वो जो नींबू पानी है आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा नींबू पानी क्या है, उसमें एक पूरा लेमन है एंड दो चम्मच सॉल्ट है, एक चम्मच सॉल्ट है, दो चम्मच शुगर है, तो वो वाला लेमनेड आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन द कंपैरिजन, अगर एक लेमनेड में 5 नींबू हैं और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेमनेड हो जाएगा। बेसिकली हम डिवाइड तो कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस को, हम बता सकते हैं कि कौन से वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है एंड कौन से वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन हम इतना ज़्यादा डेफिनेशन है उसको रफली ऐसे बोल सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस in comparison to the amount of solution. Solution हमारा पूरा क्या है, 200 मिलीलीटर का, उसमें सिर्फ 10 मिलीलीटर का सॉल्यूट है, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी मच हाई। ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है तो वेरी मच हाई, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है उसमें ना ही हाई होगा ना ही लो होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो वेरी मच हाई इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यू कैन राइट हियर द एग्जांपल ऑफ 10 ml of solute in 30 ml of solution. This is a very concentrated solution. So that was the basic definition of concentrated and dilute solution. Now mass by volume क्या होता है, कि जो mass है solute का that is present in grams and जो volume है that is present in liters. We can calculate the questions as follows. Calculate the mass by volume percentage of a solution milliliter and 20 gram of solute. Next question is mass by volume percentage of a solution is 20%. Calculate the amount of solute and
solvent, if volume of solution is 200 ml, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन में बी सॉल्व हियर एज Vs is equals to 200 milliliter, WA is equals to 20 gram. What is the formula for calculating the mass by volume percentage? This is 20 divided by 200 into 100. This is 10%. You can know कि यहाँ पे हमारे पास percentage है, तो the unit will be the percentage only because हम percentage निकाल रहे हैं. There is no unit for this kind of calculation. जब भी हम concentration of the solution and percentage निकाल रहे हैं, तो हमारे पास percentage ही है. There is no unit for any other thing. The next thing is mass by volume percentage of a solution is 20%. We have the percentage as 20%. We have to calculate WA, and we have VS as 200 milliliter. This is the first question. This is the second question. This is the 200 milliliter. Now what to do? We can say 20 by 100 into 200 is equals to WA. Now in this question आप देख सकते हो कि उन्होंने solute का amount भी पूछा है and solvent का amount भी पूछा है. First of all let us deduce the value of solute, फिर उसके बाद हम solvent की value भी निकालेंगे. The question goes here as this is 40 gram WA, because इन्होंने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज 20%. इसीलिए हमें पता चला कि जो ये दैट इज 40 gram. नाउ सॉल्वेंट का अमाउंट डिड्यूस करने के लिए वी कैन सिंपली डिड्यूस द अमाउंट ऑफ solution from the solvent, that is 160 milliliters, because हमें पता है जो true solution है, अगर ये हमें liters में given है, तो this is a liquid solution. And कोई भी liquid solution तब तक ही होती है जब तक उसके पास क्या है, liquid medium है. अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तभी ये लिक्विड सॉल्यूशन है, इसीलिए सॉल्वेंट की हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज 160 ml. नाउ लेट अस राइट अप सम मोर क्वेश्चंस. कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज calculate the mass by volume percentage of a solution which has 300 ml of total volume and 40 grams of
सॉल्यूट डिजॉल्व्ड. द आंसर कुड बी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, ये सभी क्या बता रही हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ही बता रही हैं कि कैसे हम किस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूट डाल रहे हैं और कितनी हमें परसेंटेज आ रही है. दैट इज़ द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. नाउ इन दिस केस वी कैन सी दैट वी हैव डब्ल्यू ए एज 40, VS as 300. We can calculate it as 40 by 300 multiplied by 100. That is 100. Okay. Now let us come up to the strength of the solution. The part that tells us about the strength of the solution. अभी तक हमने क्या किए, अभी तक हमने परसेंटेज किए हैं कि परसेंटेज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में. बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज द मेन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू टेल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, मैंने हमेशा बोला आपको कि कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन का जो केस है वो हम बेसिकली कंपेरिफाई करके लेते हैं, कि कंपेरिजन करके लेते हैं. दिस वन इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड, दिस वन इज द लेस कॉन्सेंट्रेटेड. बट इन दिस केस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, आई विल टेल यू द डेफिनेशन. दिस इज अ amount of solute in grams dissolved in the amount of solution in liters. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे यूनिट आ गया, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब तक पहले हमने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स किए हैं, आइदर दैट इज मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, दीज आर ऑल परसेंटेजेस, दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द यूनिट. तो बेसिकली अब हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिट वाला टॉपिक आ गया, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी, और वी कैन राइट इट एज वी एस. एंड the unit of strength of solution is always the unit of strength of solution is always gram by liter. ये जो ग्राम बाय लीटर है हमेशा यही यूनिट होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का यूनिट होता है. नाउ लेट अस कम अप टू द पार्ट. कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. गिवन W A 20 gram, V
एस 1500 ग्राम। यहाँ पे 1500 लीटर, 1500 मिलीलीटर बेसिकली। यहाँ पे मिलीलीटर गिवन है, हमें मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। वो कैसे करेंगे? वी कैन से दैट वी एस इज इक्वल्स टू 1.5 लीटर्स। इफ़ वी कैन टेक द वी एस एज 1.5 लीटर्स, देन वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन बाय दिस मैथड। नाउ लेट अस कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। 20 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज 200 बाय 15। वी कैन डिवाइड इट एज 3 एंड एज 40। द आंसर इज 40/3 grams पर लीटर। द आंसर इज 40/3 grams पर लीटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज 40/3 gram per liter. Now, let us calculate some more numericals on this basis. The next class is going to be the examples of NCERT, the class on the examples of NCERT on the topic concentration of the solution. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अभी देख लेते हैं हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन WA is 500 milligram, VB is equals to 2 liters. Next is WA is equals to 1500 milligram, VS is equals to 2000 milliliters. Fourth can be WA is equals to 200 gram, VS is equals to 600 liter. Let us now solve the questions one by one. The solutions. As we know that what is the formula? The formula is WA by WS, WA by VS. So the WA is 500 milligram. To the 500 milligram, we have to convert it into the gram. Gram mein kitna aayega? 0.5 grams. 0.5 gram divided by 2 liter. Iski strength kya aa gayi? 5/20, 1/4 gram per liter. This is the final answer. Now again we have the weight of the solute in milligram. Milligram ko hume gram mein convert karna hai. That is 1.5 gram divided by 2000 milliliter ko liter mein convert karna hai. Divided by 2 liter. Answer will be 15/20, 3/4 gram per liter. Next question. We have the weight of the solute as 200 gram. 200 gram means 0.2 grams. Okay. No, it is in grams only. Isko hume convert karne ki zarurat nahi hai. Just wait a second. Yeah, we do not need to convert these into gram. We can calculate it as 200
डिवाइडेड बाय 600 दैट इज 1/3 ग्राम पर लीटर वंस अगेन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ अप टू दैट आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट इज NaOH and KOH, the scientific name and the common names of these. Common name is caustic soda. NaOH is known as caustic potash. NaOH is known as caustic soda. The scientific name for NaOH is sodium hydroxide and potassium hydroxide. Because of this hydroxide, because of this potassium, this one chemical is known as caustic potash and this chemical is known as caustic soda. Okay students, that was all about today's lecture. I hope you liked it. Thanks for watching, and you can visit in the description box for the notes.